गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ MSc सेकेंड सेमेस्टर, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वीडियो लेक्चर क्लास टुडे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ ट्रेकियल रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोडा। एज यू नो दैट I was discuss about the different heads related with the tracheal respiration, that is tracheal respiration of arthropoda, in which the first heading was tracheal respiration and in which the tracheal systems which are started from the spiracles and trachea and tracheoles, and after then I was discuss about the air sacs, that was also a apparatus of tracheal respiration, and I was discuss about the fine structure of the air sacs, and next heading was type of tracheal systems, how many type of tracheal system are found in the insect or arthropods. I will discuss about in the detail. According to the Wigglesworth 1954, that have suggested in the 6 point of systems, tracheal systems, and I will discuss about the intracellular tracheal structure and the air sac structure that found in the arthropods. So there was the remaining topic, mechanism of gaseous exchange. So in this time I want to discuss the next remaining topic of this heading, the mechanism of gaseous exchange. तो mechanism क्या है, क्योंकि अभी आपने तो इसके apparatus के बारे में पढ़ा, trachea spiracle के बारे में, trachea के बारे में, tracheoles के बारे में, air sac के बारे में, structure के साथ आपने पढ़ा, लेकिन अब जो है ये mechanism कैसे होता है, इसमें कैसे gaseous exchange हो रहा है, इस mechanism पर हमें जो है कि अपने mind को focus करना है। तो मैकेनिज्म इसमें डिस्क्राइब हम करने जा रहे हैं कि हाउ द आर्थ्रोपोड्स हैव मैकेनाइज द गैसेस चेंज थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ देयर बॉडी। ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा अपने बॉडी में आर्थ्रोपोड्स किस तरह से गैसेस चेंज के मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं, कैसे गैसेस चेंज होता है। हम जैसे हम लोग अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नोज से लेकर लंग्स तक ये पूरा एक सिस्टम है जिससे गैस कैसे एक्सचेंज हो रहा है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है। इसी तरह से एयर यानी ऑक्सीजन इनके स्पायरिकल से इंटर करता है बॉडी में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये इंटर करते हुए फिर अंत में अंततः एयर सैक तक पहुँचते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर ट्रेकी और ट्रेक्योल के माध्यम से एयर जब पहुँचता है तो वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होता है, सेल्स में डिफ्यूज़ होता है, और उसके बाद फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जो है कि रिमेनिंग यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके फिर वो वापस जो है कि इसी ट्रेकी के माध्यम से बाहर आता है और जो है कि वो उसे एक्सपेल कर देता है। तो ये इसमें जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो एक एक लाइन टू लाइन हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा माइंड फोकस करने की ज़रूरत है जो तब ये बात समझ में आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज में देखिए, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज इन द ट्रेकियल सिस्टम इज पार्टली बाय डिफ्यूज़न एंड पार्टली बाय वेंटिलेशन। यानी कि इंसेक्ट के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये जो गैसेस एक्सचेंज का रिस्पायरेटरी जो मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कहते हैं, ये जो है कि आधा डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है और आधा जो वेंटिलेशन से होता है।
यानी आंशिक रूप से इसमें डिफ्यूज़न होता है और आंशिक रूप से जो है वेंटिलेशन होता है, यानी ये दोनों प्रोसेस मिल करके डिफ्यूज़न प्लस ये वेंटिलेशन, ये दोनों दोनों प्रोसेस कंप्लीट मिल करके जो है गैसेज एक्सचेंज के मेकनिज़म को पूरा करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, कैसे इसमें क्या होता हम देखेंगे। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि डिफ्यूज़न और वेंटिलेशन और भी एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट के लंग्स में भी इसी तरह का देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ के मेकनिज़म में यहाँ के मेकनिज़म में अंतर है, डिफरेंसेस हैं। तो माना कि डिफ्यूज़न और ये वेंटिलेशन जो दोनों भी पार्टली पार्टली जो है ये हो रहा है यहाँ पे, आइज फाउंड इन वर्टिब्रेट लंग्स, हमारे लंग्स में वर्टिब्रेट के लंग्स में, हायर एनिमल्स के लंग्स में जो है कि ये डिफ्यूज़न भी हो रहा है और वेंटिलेशन हो रहा है। तो जनरल बेसिक प्रोसेस तो वही है, लेकिन क्या एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है? नहीं, कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस नहीं होते तो फिर यहाँ पे इसे स्टडी क्यों करते? तो इसलिए हम इसे कि इसके बारे में जो है कि डिटेल लेकर के आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इनवर्ल्ड डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्राम द स्पार्किल्स डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर विद इन द ट्रैक्योल्स बींग लोअर then in the outside air and this will arise from the passage of oxygen into the tissue when it is utilized। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न का जो कंडीशन है यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिफ्यूज़न में होता क्या है, ऑक्सीजन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं, इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमारे नॉस्ट्रिल में एयर इंटर करता है, ऑक्सीजन इंटर करता है, यहाँ पे क्या है, स्पाइरकिल है। तो इंसेक्ट के स्पाइरकिल में जब ऑक्सीजन इंटर करता है, इनवर्ल्ड डिफ्यूज़न होता है, यानी अंदर की ओर जब ऑक्सीजन जाता है बाहर से अंदर की ओर स्पाइरकिल में, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर जो ट्रेकियोल है, यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइरकिल के अंदर का जो स्ट्रक्चर यानी ट्रेकियोल है, वो ट्रेक्यूल्स में जो है कि प्रेशर कितना है, अंदर जो एयर मौजूद है उस एयर का प्रेशर कितना है। क्योंकि अगर वहाँ पे लोअर प्रेशर है तो ऑक्सीजन का प्रेशर, एयर का प्रेशर स्पाइरकिल के बाहर हायर होता है, तो हायर से लोअर की ओर डिफ्यूज़ कर जाएगा, यानी कि अंदर ऑक्सीजन की कमी है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर चला जाता है। तो डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर विद इन द ट्रैक्योल्स, यानी ट्रैक्योल के अंदर जो है कि प्रेशर का क्या पार्शियलिटी है, क्या अनुपात है, उस अनुपात के हिसाब से जो है कि एयर इंटर करता है ट्रैक्योल में, बीइंग लोअर देन इन द आउटसाइड एयर, क्योंकि अंदर जो है कि एयर का जो है कि पार्शियल प्रेशर कम होता है और स्पाइरकिल के बाहर जो है कि पार्शियल एयर का प्रेशर अधिक होता है, यानी कि लोअर देन इन द आउटसाइड एयर and this will arise from the passage of O2 into the tissues। और ये कैसे होता है, क्योंकि आगे ये ट्रेक्योल्स के आगे टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की खपत होती चली जाती है, ऑक्सीजन कम होता चला जाता है, इस तरह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जाहिर बात कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा यहाँ पे और बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये जो है कि ये पैसेज एराइज करता है, दिस विल एराइज फ्रॉम द पैसेज ऑफ O2 इनटू द टिश्यू व्हेन इट इज़ यूटिलाइज्ड, क्योंकि टिश्यू में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होते हैं, यानी सीधी सी बात है कि डिमांड के हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और एनिमल बॉडी इंसेक्ट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो गया है वो डिमांड के हिसाब से उसकी खपत होती है, ऑक्सीजन वहाँ कम हो जाता है, बाहर ऑक्सीजन अधिक होता है, तो इस पार्शियल प्रेशर की वजह से डिफ्यूज़न होता चला जाता है, अपने आप ऑक्सीजन खींचता हुआ अंदर चला जाता है। वनली स्मॉल इंसेक्ट सच एज ड्रोसोफिला मे गेट सफिशियंट ऑक्सीजन बाई एडिशन एलोन, यानी सबसे छोटा जो एनिमल है यानी ड्रोसोफिला, वनली स्मॉल इंसेक्ट ड्रोसोफिला जो है स्मॉल इंसेक्ट है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो सफिशियंट ऑक्सीजन जो है कि अपने आप जो है कि डिफ्यूज़ होता चला जाता है,
द मे गेट सफिशियंट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न एलोन, यानी ये ड्रोसोफिला के अंदर सिर्फ डिफ्यूज़न होता है, वेंटिलेशन नहीं होता, वेंटिलेशन नहीं होता है, यानी कि डिफ्यूज़न ही होता है, और सिर्फ डिफ्यूज़न प्रोसेस के अकेले डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन उसके अंदर खींचता हुआ चला जाता है, यानी वो उसको ऑक्सीजन को खींचता हुआ चला जाता है, यानी ऑक्सीजन इंट्रेंस करता चला जाता है। फार फ्लाइट मसल्स, फार फ्लाइट मसल्स, और ये आपने देखा ड्रोसोफिला के अंदर जो है सफिशियंट ऑक्सीजन डिफ्यूज़न, सिर्फ डिफ्यूज़न के हिसाब से, डिफ्यूज़न की वजह से अंदर ऑक्सीजन बराबर जाता रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मक्खियों का जो है ड्रोसोफिला जो फ्लाई है, तो इसके जो है कि मसल्स बराबर फ्लाइट करते रहते हैं, जो फ्लाइट मसल्स हैं बराबर जो फ्लाइटिंग की वजह से वो जो है कि टिश्यू में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बराबर होते रहते हैं, और ऑक्सीजन की खपत बराबर होती रहती है, और वो ऑक्सीजन की खपत होती चले डिफ्यूजन थ्रू ऑक्सीजन बराबर इंटर करते रहते हैं। बट इन लार्जर इंसेक्ट डिफ्यूजन बाई इट्सेल्फ कैन नॉट बीट द डिमांड ऑफ हाईली एक्टिव टिश्यूज, और लेकिन जो बड़े इंसेक्ट हैं, बड़े इंसेक्ट जो पाए जाते हैं उनके अंदर सिर्फ डिफ्यूजन के माध्यम से ही रिस्पायरेशन नहीं होता, यानी वहाँ पे वेंटिलेशन भी होता है। वेंटिलेशन का मतलब ही याद है लंग्स का, जैसे पचकना फूलना, पचकना फूलना, तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वेंटिलेशन इसी कहते हैं। डिफ्यूजन में हायर से लोअर को डिफ्यूज हो जाता है, तो मक्खियों में खास फ्लाइट मसल्स की वजह से सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो हायर या लार्जर इंसेक्ट हैं उसमें सिर्फ डिफ्यूजन नहीं नहीं बल्कि वेंटिलेशन भी होता है। क्यों होता है वेंटिलेशन? क्योंकि उनके जो है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, हायर जो लार्जर इंसेक्ट होते हैं उनके जो है कि टिश्यूज़ काफ़ी एक्टिव होते हैं, और वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसकी खपत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ऑक्सीजन की बराबर जो है कि ज़रूरत बनी रहती है, इसलिए जो है यहाँ पर डिफ्यूज़न बाहर, डिफ्यूज़न यानी कि स्पाइरिकल से लेकर ये इसके ट्रेकी में, ट्रेक्यूल में जो है कि डिफ्यूज़न होता रहता है, और टिश्यूज़ लेवल पर जो है कि वेंटिलेशन होता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जो लोअर इंसेक्ट एंड ड्रोसोफिला है उसमें सिर्फ डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, और जो लार्जर इंसेक्ट्स हैं जितने भी हैं उसमें जो है कि डिफ्यूज़न प्लस जो है वेंटिलेशन दोनों देखने को मिलता है, यानी कि डिफ्यूज़न और वेंटिलेशन दोनों मिल करके ट्रेकियल रिस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो जो है कि किस तरह से रिस्पायरेटरी मूवमेंट में काम करती हैं, ये देखने लायक है। तो जो हमने अभी डिस्क्राइब किया कि द हाई डिमांड ऑफ लार्ज एक्टिव इंसेक्ट फॉर ऑक्सीजन इज सप्लीमेंटेड बाई कन्वेक्शन प्रोड्यूस्ड बाई चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम, दिस इज नोन एज वेंटिलेशन। अब हमने जो कहा कि जो है लार्जर इंसेक्ट में डिफ्यूजन भी होता है और वेंटिलेशन भी होता है, तो वेंटिलेशन में क्या होता है, वहाँ पे ये वेंटिलेशन को डिफिनीफाई किया गया है। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि बराबर जो है कि ऑक्सीजन के डिमांड के हिसाब से उसका जो है कि मूवमेंट होना, जैसे लंग्स बार बार फूलता है, पचकता है, दैट इज़ वेंटिलेशन। उसी तरीके से अब इंसेक्ट के बॉडी में लंग्स तो है नहीं, तो आखिर उसके अंदर कौन ऐसा पार्ट है जो फूलता है, पचकता है? तो इसके पहले हमने बताया स्पाइरकल जो सबसे ऊपर का जो है कि पार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेकी है यानी ट्रेक्योल है, ट्रेक्योल का जो स्किन है, जो लाइनिंग है, वो आपने हमने बताया था कि वो जो है कि उसमें टीनिडिया पाया जाता है। टीनिडिया यानी ये फिगर आप एक बार फिर माइंड कर लें, ये टीनिडिया है, यानी ये सिगमेंटेड जो दिखाई दे रहा है ये टीनिडिया है। टीनिडिया का मतलब है कि ये टीनिडिया जहाँ होगा लाइनिंग होगी, यहाँ मोटा होगा और बीच में जो होता पतला होगा, यानी एक मोटा पतला इस तरह का होने की वजह से वो बार बार जो है कि
ये इसकी साइज बढ़ती और घटती है। तो जब ऑक्सीजन अंदर खपत, ऑक्सीजन की जो हाई डिमांड की वजह से जो खपत बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन का यूज़ होता रहता है, तो उसके हिसाब से जो है कि ये ट्रेकी के अंदर चेंजेज आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कन्वे होता रहता है, तो चेंजेज होते हैं। तो जो ट्रेकियल सिस्टम है, ट्रेकल सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो घटता है बढ़ता है। हमने बताया कि स्पाइरिकल के अंदर यानी ये ट्रेकियोल के अंदर, ट्रेकी के अंदर जो इसका जो है लेयर है, लाइनिंग है, वो जो है कि टीनिडिया का बना होता है। तो टीनिडिया इसीलिए बना होता है जिससे कि इलास्टिक ये ट्यूब होता है। इलास्टिक होने से कभी ट्यूब पचक जाता है, कभी फूल जाता है। यानी ऑक्सीजन जब ज़्यादा आ जाता है तो वो जो उसकी साइज ज़्यादा हो जाती है, डायमीटर चौड़ा हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो वो थोड़ा पचक जाता है। तो इस तरह से इसे फूलने पचकने की वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन काम करता है, और उधर अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की खपत जैसी होती है उसी हिसाब से ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होता है, और उसी के हिसाब से इसके टीनिडिया के नाते ट्रेकियल सिस्टम में ट्रेकी का जो वाल है वो फूलता है, पचकता है, यानी वेंटिलेशन जैसा काम करता है, वेंटिलेशन होता है। इस तरह से लार्जर इंसेक्ट के अंदर, लार्जर जो जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर वेंटिलेशन देखने को मिलता है। तो वही चीज़ अब आपके समझ में आ जाएगी, द हाई डिमांड ऑफ लार्ज एक्टिव इंसेक्ट्स फॉर ऑक्सीजन इज सप्लीमेंटेड बाय कन्वेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम, दिस इज नोन एज वेंटिलेशन। यानी इस तरह से वेंटिलेशन होता है। अब यहाँ पे इसी मेकनिज़म को हमें, डिफ्यूज़न और वेंटिलेशन को देखते हुए, इस मेकनिज़म को देखते हुए, इसके इस प्रोसेस को देखते हुए मेकनिज़म, ट्रेकियल मेकनिज़म को जो है कि डिस्क्राइब करना है। तो अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को डिस्कस किया जाएगा। मोस्ट ट्रेकी आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब हम ट्रेकियों को देखते हैं, ज़्यादातर आर्थ्रोपोड के अंदर जो ट्रेकी है यानी ट्यूब है उसके अंदर जो उसका जो ट्रेकी है वो क्रॉस सेक्शन अगर उसका देखा जाए तो सर्कुलर होता है। ट्रेकी यानी ज़्यादातर सर्कुलर होते हैं आर्थ्रोपोड के अंदर, एंड रेजिस्ट एनी चेंज इन फॉर्म। अगर वहाँ पर कोई परिवर्तन होता है, चेंजेज हो रहे हैं ट्रेकी के अंदर, तो क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं तो वो इसे रोकते हैं, जो आसानी से जो है कि उस चेंज में यानी उस बदलाव को आने नहीं देते। बट सम सच एज लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स ऑफ डाइटेस्कस कोलियोप्टेरा लार्वी, यानी ये कि दूसरा जो है कि रिपोर्ट है, दूसरा एक केस है जिसके अंदर यानी कि ये जो कोलियोप्टेरा का जो एनिमल है या इंसेक्ट है डाइटेस्कस, तो डाइटेस्कस लार्वी में होता क्या है, इसका जो ट्रंक लंबा होता है, सच एज लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स ऑफ डाइटेस्कस कोलियोप्टेरा में ये इनका इंसेक्ट होता है, ये लार्वी, इसमें इसका लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक होता है। तो उसमें होता क्या है, आर ओवल इन क्रॉस सेक्शन, वहाँ पर जो उसका क्रॉस सेक्शन वो ओवल होता है, एंड आर सब्जेक्टेड टू कोलैप्स। तो वहाँ पर जो है कि लॉन्गिट्यूडनल होने की वजह से ट्यूब वो कोलैप्स करता है। तो अब यहाँ पे जो ये कंडीशन जो नया देखने को मिलता है नए केस में, तो उसी हिसाब से इसके जो मेकनिज़म है, देखिए कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया फोर्सेस एयर आउट ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम। यानी कोलैप्स होने की वजह से, यानी कि जब चिपकेगा यानी कोलैप्स हो रहा है, और जब कोलैप्स होगा तो जब वो ट्यूब चिपकेगा उसमें जो एयर है तो वो उस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो एयर बाहर चला जाता है। तो कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया फोर्सेस, कोलैप्स होने से ट्रेकिया पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से एयर आउट ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम से एयर जो बाहर चला जाता है। व्हाइल द सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन सक्स इन एयर ऑक्सीजन, और जो ही ये कोलैप्स कंडीशन है जो ही यानी कि जो ट्यूब जब चिपक जाता है, जब वो खुलता है, जो ही खुलेगा तो ही ऑक्सीजन उसके अंदर चलाता है। यानी कि ये कोलैप्स जो कंडीशन है
ये जो इस लार्वा के अंदर हमने जो डाइटेस्कस में देखा, तो इसमें जो एक कोलेप्सर जो ट्यूब है वो लंबा होता है, ट्रैक रीजन में होता है, तो वहाँ पे को जो है कि ट्रैकल सिस्टम में जो कोलेप्स की वजह से फोर्स काम करता है, उस फोर्स की वजह से ऑक्सीजन का अंदर आना और जाना ये प्रोसेस जो है कि काम करता है। वाइल द सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन सच सक्स इन एयर अगेन, तो जब ट्यूब पिचकता है तो ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, लेकिन यानी एयर बाहर चला जाता है, और जब वो खुलता है तो ऑक्सीजन यानी एयर अंदर चलाता है। यानी क्या हो रहा है, इस तरह से ये रिस्पायरेशन ही तो हो रहा है, यानी कि अब ये हायर एनिमल तो है नहीं, लोअर एनिमल है। अब इसके अंदर ये ऑक्सीजन का इंटर करना और फिर बाहर जाना, ये जो कैसे मेकनिज़म काम कर रहा है यही तो यहाँ बताया जा रहा है, ये इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। बट बाई चांसेस इन शेप ऑफ द ट्रेकिया वनली स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस, अगर आप सोच लें कि अगर ट्रेकिया में उसका ज़्यादा वॉल्यूम न जो है कि कोलैप्स करके थोड़े से स्थान पर अगर वो चेंज आ रहा है, उसका वॉल्यूम चेंजेस आ रहा है, यानी वॉल्यूम घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये बार बार होगा, थोड़े थोड़े जंप होगा, तो बार बार जो है कि ऑक्सीजन एक रेगुलर कंडीशन में इंटर करेगा या बाहर जाएगा। मच मच लार्जर चेंजेस हैंस बेटर गैसेज एक्सचेंज, और जब इसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे तो गैसेज एक्सचेंज ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है कि यानी ये वेंटिलेशन कंडीशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ये गैसेज एक्सचेंज ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। आर प्रोड्यूस्ड बाई द अल्टरनेटिंग कोलैप्स, यानी बार बार ये तभी होता है, ये कंडीशन तभी होता है एक्सचेंज का, गैस एक्सचेंज का जो प्रोडक्शन ये कंडीशन प्रोड्यूस होता है तभी जब कोलैप्स अल्टरनेट करते होता रहता है एक के बाद वन बाई वन, एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर सैक्स, और एयर सैक का फूलना और ट्यूब का पचकना यानी ट्रेकी का फूलना पचकना, ये इसी तरह से जो है कि ये मैकेनिज्म काम करता रहता है। द एयर इंटर्स द ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम में एयर इंटर करता है थ्रू द स्पायरिकल, स्पायरिकल के थ्रू इतना आप जानते हैं, बाय द मोमेंट ऑफ द एब्डोमेन, और एब्डोमेन के मोमेंट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो एब्डोमेन है वो मूव करता है, हिलता डुलता है, उसके वजह से स्पाइकल से एयर इंटर करता है ट्रेकल सिस्टम में। तो स्पाइकल तो शो, यही वजह है कि दे आपको यहाँ पे बता दें कि जितने इंसेक्ट होते हैं वो शांत नहीं बैठते, बराबर उनका एब्डोमेन या उनका उनका जो जो है विंग्स हैं या उनके जो है कि एंटीनी हैं या एंटीन्यूल है, ये सब बराबर जो है मूव करते रहते हैं, ये बराबर एक्टिव रहते हैं ये, और उसके वजह से क्या होता है इनके टिश्यूज में ऑक्सीजन का डिमांड बना रहता है और ये इस तरह का कंडीशन होता रहता है। द स्पाइकल शो कंट्रोल्ड मूवमेंट टू अलाउ द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ एयर टू इंटर इन, इसके पहले हमने ये बात बताया था पहले ही स्पाइकल वाले हेडिंग में ही कि स्पाइकल क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कम जितना चाहता है उतना अंदर आने देता है, जब ज़रूरत समझता है तो उसे बंद कर देता है, यानी कि ये जो है कि डिमांड एयर डिमांड के उनको कंट्रोल करता है स्पाइकल। द कंट्रोल इज सपोज्ड टू बी बाय द न्यूरोसिक्रीशंस, अब आप कहेंगे कि ये जो है कि स्पाइकल अपने मन से कैसे कंट्रोल करता है, यानी इसका संबंध नर्वस सिस्टम से होता है, न्यूरोसिक्रीशन से होता है, न्यूरोसिक्रीशन की वजह से जो है कि ये डीलिंग होती है और स्पाइकल ये काम करता है, डिज़ायर्ड अमाउंट को इंटर करता है, आने देता ऑक्सीजन को या नहीं तो फिर बाहर कर देता है एयर को, एज वेल एज द रिस्पायरेटरी सेंटर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने बताया कि न्यूरोसिक्रीशन से ये डील होता है, कंट्रोल होता है, और इसका जो सेंटर होता है रिस्पायरेटरी जो सेंटर होता है उसके नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन में जो इसका सेंटर होने की वजह से वहीं से डीलिंग होती है, न्यूरोसिक्रीशन सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीशन जो है कि स्पाइकल के आसपास अपने मैसेज देता है, स्पाइकल जब ज़रूरत समझता है उसको अपने माउथ को ओपन करता है यानी अपने स्पेस को ओपन करता है, एयर इंटर करता है, जब इसे जो है कि ये सिचुएशन या ये संकेत नहीं मिलता है
या न्यूरो सिक्रेशन सिक्रेट नहीं होता तो फिर ये अपने को आप क्लोज कर लेता है। यानी इस तरह से एयर का इंटर करना स्पाइरल के अंदर, ट्रेकी के अंदर और बाहर होना, ये या डिमांड इसकी जो ज़रूरत होती है, ये सारा का सारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा डीलिंग होती है, कंट्रोल होता है। इस तरह से इसमें मैकेनिज्म काम करते हैं। अब इसी चीज़ को जो सिंपली हम जो है कि दो लाइन में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, यह तो जो डिटेल हो गया। अब देखिए, एज द एयर इंटर्स द ट्रेकियल सिस्टम, यानी जो ही ट्रेकियल सिस्टम में यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, यानी स्पाइकल से लेकर ट्रेकी और ट्रेकियोल में जब ये एयर इंटर करता है, एज द एयर इंटर्स द ट्रेकियल सिस्टम, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन का इंटर होना, अंदर आना इंस्पायरेशन होता है। ट्रेकियोल फ्लूड टेक्स सम ऑक्सीजन। अब हमने इसके पहले जो डिस्क्राइब किया था, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि ट्रेकियोल के जो लास्ट जहाँ पर यह ट्रेकियोल ब्लाइंड होता है यानी कि पैक होता है, वहाँ पर एक फ्लूड होता है जिसको ट्रेकियोल फ्लूड बोलते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन इंटर आता है, एयर इंटर करता है तो कुछ एयर को जो है वो ट्रेकियोल फ्लूड ले लेता है। तो ट्रेकियोल फ्लूड टेक्स सम ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, विच डिफ्यूजेड टूवर्ड्स टू द टिश्यू। और वही जो ट्रेकियोल फ्लूड जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया रहता है, ले लिया रहता है, और उसी ऑक्सीजन को वो टिश्यू में डिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि उसी ट्रेकियोल फ्लूड के आगे ही तो टिश्यू जुड़ा हुआ है, उसमें डिफ्यूज़ कर देता है। कैसे डिफ्यूज़ करता है, डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है कि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी होती है और इधर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो वो ऑलरेडी हायर से लोग डिफ्यूज़ हो जाता है। और एक्टिव सेल्स या तो वो टिश्यूज़ में या आसपास के जो एक्टिव सेल है उसमें डिफ्यूज़ कर हो जाता है। अच्छा, ग्रेटर द नीड फॉर ऑक्सीजन, ग्रेटर द नीड फॉर ऑक्सीजन, मोर इज़ द विथड्रॉल ऑफ ट्रेकियल फ्लूड इनटू द टिश्यूज़ एंड वाइस वर्सा। अब जो है कि अगर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड है टिश्यूज़ के अंदर, तो जो टिश्यू फ्लूड होगा वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कैप्चर करेगा और फिर जो टिश्यूज़ में या एक्टिव सेल में डिफ्यूज़ कर देता है, जैसी ज़रूरत होती उसी हिसाब से वो डिफ्यूज़ करता है। यानी ये बराबर कंडीशन होता है, अगर कम की ज़रूरत है तो कम, ज़्यादा की ज़रूरत है ज़्यादा। व्हेन द एयर इज़ एक्सपेल्ड टू आउटसाइड एक्सपायरेशन, और जब ऑक्सीजन यानी एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर होता है, यानी यूज्ड एयर जब बाहर जाता है, यानी उसी के एक्सपायरेशन कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में तो एयर इंटर करता है और एक्सपायरेशन में एयर आउट होता है। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, देखिए, ट्रेकियल फ्लूड अगेन फिल्स इनटू ट्रेकियोल टिप्स। यानी कि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो ट्रेकियल फ्लूड है वो जो है कि भर जाता है किससे, ट्रेकियोल टिप्स में। ट्रेकियोल का टिप्स होता है, यानी ये फिगर हमने दिखाया था, ये देखिए ट्रेकियोल फ्लूड, ये इसका जो है, क्योंकि ब्लाइंड है ये ट्रेकियोल का ब्लाइंड, तो यहीं पे फ्लूड होता है ये, और ये टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर जो अभी इंस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन को कैप्चर कर रहा था यानी एब्जॉर्ब कर रहा था, सक कर रहा था, अब वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है। तो वही चीज़ उल्टा हो रहा है, देखिए, ट्रेकियल फ्लूड अगेन फिल्स इनटू ट्रेकियोल टिप्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड मोस्टली डिफ्यूजेस आउट थ्रू द ट्रेकी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो है कि कैप्चर करता है, और फिर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर कम है और इन साइड में उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो क्या होता है, फिर डिफ्यूज़न होता है, फिर वो डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मोस्टर डिफ्यूजेज आउट थ्रू द ट्रैकी, और ट्रैकी से वो डिफ्यूज हो जाता है, एंड द इंटेग्यूमेंट एंड पार्टली थ्रू द स्पार्किल्स। इस तरह से कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसके स्किन के द्वारा, इंसेक्ट के स्किन के थ्रू, और कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्पार्किल के थ्रू डिफ्यूज होकर बाहर चला जाता है। इस तरह से हमने देखा
अगर जनरल वे में बात करें इसके मैकेनिज्म में, टैकल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में, तो दो प्रोसेस आप काम करते हैं, एक डिफ्यूजन दूसरा वेंटिलेशन। तो कुछ इंसेक्ट में जो है स्मॉल इंसेक्ट में डिफ्यूजन ज़्यादा डिफ्यूजन ही काम करता है, और कुछ जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उसमें वेंटिलेशन काम करता है। वेंटिलेशन कैसे काम करता है वो हमने आपको बताया कि ट्रेकी में किस तरह से टिनिडिया लगा हुआ है वो उसके साइज को बढ़ाता घटाता है। फिर इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में किस तरह से टिश्यू फ्लूड ऑक्सीजन को जो है कि कैप्चर करके टेक्स ओवर करके उसको जो है कि आगे टिश्यू तक पहुंचाता है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके फिर उसे वो जो आउट करने की कंडीशन में फिर वही प्रोसेस दोहराता है, एक्सपायरेशन होता है। यानी टिश्यू फ्लूड का रोल वहाँ पर जो कि ब्लाइंड पोर्शन ऑफ द ट्रेक्यूल पर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है कि किस तरह से स्पायरकल या ट्रेकी, ट्रेक्यूल, ट्रेक्यूल फ्लूड में जो है कि डिफ्यूजन कैसे हो रहे हैं, वेंटिलेशन कैसे हो रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर रिस्पायरेशन हो रहा है। तो ये रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया, और इसका नोट्स भी हम जो आपको भेजते रहते हैं, तो अगर इस नोट्स को पढ़ लेंगे और इस वीडियो लेक्चर को सुनेंगे तो पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएगा। एक बार माइंड में बैठ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में लिख डालेंगे। अब इसके बाद जब मैकेनिज्म के बाद हम जो है नेक्स्ट जो ट्रेकियल सिस्टम से जुड़ी हुई जुड़ा हुआ जो हेडिंग है वो लेके आ रहे हैं, वो हेडिंग है मोल्टिंग ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम। मोल्टिंग ऑफ द ट्रेकियल सिस्टम यानी मोल्टिंग मतलब बार बार कोई चीज़ जो है जो है निकल के बाहर होना, जैसे हमारे स्किन से मैल जो है कि वैसे मैल जमती है फिर वो छुड़ाते हैं तो हट जाता है, फिर स्किन फ्रेश हो जाता है। उसी तरह जो इंसेक्ट हैं उनके बॉडी के ऊपर एग्जोस्केलेटन पाया जाता है, और एग्जोस्केलेटन कुछ दिन तक हार्डनेस बना रहता है, फिर वो उचर करके फिर वो हट जाता है। जैसे सांप अपना केंचुल छोड़ता है तो फिर केंचुल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, केंचुल छोड़ देता है फिर उसको वो ऊपर से फिर एक लेयर बन जाता है, और क्योंकि वो एग्जोस्केलेटन। उसी तरह से इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर भी जो है ये जो है काइटिन का बना हुआ जो खोल होता है, एक जो स्केलेटन होता है वो पहले हार्ड होता रहता है, होल्ड होता रहता है, फिर बाद में ये निकल के बाहर चला जाता है, फिर उसी पे फिर दूसरा जो है कि लेयर चढ़ता जाता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जो ट्रेकियल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेकियल सिस्टम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब है उसके ऊपर जो है कि जो लाइनिंग बनी हुई है क्यूटिकल की बनी हुई है, वो कहीं मोटा है कहीं पतला है, इसके पहले आपने जब हमने डिस्क्राइब किया था। और टिनिडिया का वजह, जहाँ टिनिडिया है वहाँ मोटापन है, जहाँ पे बाकी लेयर है वो पतला है, तो उसके ऊपर जो खोल चढ़ते रहते हैं वो समय समय पे निकलते रहते हैं। तो जब निकलते रहते हैं तो जो पहले वो हार्ड हो जाता है फिर सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से मोल्टिंग होने से इंसेक्ट के अंदर जो है रिस्पायरेशन जो है कि आसानी से होता है, यानी कि ट्रेकियल मोल्टिंग तो उसके पूरे बॉडी पर होता है, क्योंकि इसके स्किन पर ही तो ये स्पायरकल लगे होते हैं, तो होता रहता है। लेकिन ट्रेकियल सिस्टम भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम में मोल्टिंग कैसे हो रहा है ये हमें यहाँ समझाना है आपको, किस तरह से मोल्टिंग हो रहा है, किस तरह से इसको एग्जोस्केलेटन जो है इसका निकल के बाहर जा रहा है, और इससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, मोल्टिंग क्यों होता है, मोल्टिंग क्यों होना चाहिए, ट्रेकियल सिस्टम से इसका क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ें इसमें आप देखेंगे। तो देखिए क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, क्यूटिकुलर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कास्ट एट ईच मोल्ट, यानी जो ट्रेकिया के ऊपर जो क्यूटिकल का बना हुआ लेयर होता है वो बराबर उछलता रहता है, बराबर बनता रहता है एट द ईच मोल्ट, या बराबर हर मोल्ट पर निकलता है फिर बन जाता है। एंड ए न्यू लार्जर इंटीमा इज फॉर्म्ड इन इट्स प्लेस, यानी कि जब एक मोल्टी में एग्जोस्केलेटन इसका लेयर जब एक बार निकल के हट जाता है उसके बाद फिर उसी पे एक लेयर बन जाता है, वो तो एक नया लेयर बड़ा सा जब लेयर यानी लार्जर लेयर बनता है उसी लेयर को इंटीमा बोलते हैं, इसको माइंड में रखेंगे। इंटीमा यानी कि एक लेयर हट जाता है उसके बाद जो दूसरा लेयर जब बनता तो नरम होता है तो उसको इंटीमा बोलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक ब्रेक्स एट
प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स, यानी कि ये जो है कि क्योंकि ट्रंक लंबा होता है इंसेक्ट का, और वहाँ पे जब ये इंटीमा बनता है तो वो लंबा बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ट्रंक में अगर कहीं से मोड़ है, ब्रेक है, फिर उतना दूर का वो जो है कि इंटीमा बन जाता है, बाकी जो है जैसे निकल जाता है, बाकी चीज़ें फिर जो है कि बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, यानी पॉइंट वाइज होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड द नोड्स, यानी कि कहने का मतलब वहाँ सेगमेंट है, यानी एक साथ आप कहें कि पूरा का पूरा जो है कि निकल जाए उसका वो एग्जोस्केलेटन, ऐसा संभव नहीं है ट्रंक रीजन में। इसी को नोड्स बोलते हैं, अलग अलग एरिया यानी कि अलग अलग पार्ट। बिटवीन एडजेसेंट स्पाइरिकल्स, एक स्पाइरिकल से दूसरे स्पाइरिकल के बीच का जो एग्जोस्केलेटन होता है निकल जाता है, उसके नोड बोलते हैं एडजेसेंट स्पाइरिकल्स, एंड शेड विथ रेस्ट ऑफ द एक्सक्यूवी। और जब वो निकल के बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर जो नेक्स्ट जो इंटीमा बनता है, तो इंटीमा ही कहेंगे क्योंकि लंबे लंबे जो काफ़ी दूर तक होते हैं वो इंटीमा बोलते हैं, लेकिन जब छोटे स्थान में जो होते हैं उसको एक्सवी बोलते हैं, EXUVIA, रेस्ट ऑफ एक्सवी। इन अर्ली एसियरा लार्वी, एक लार्वी है, इसके जो है कि शुरुआत के दौर में लार्वी कंडीशन के अर्ली स्टेज में देखिए क्या देखने को मिलता है। इन अर्ली एसियरा लार्वी हैविंग रिलेटिवली सिंपल ट्रेकियल सिस्टम, इसमें ट्रेकियल सिस्टम जो है कि सिंपल होता है। द होल ऑफ द क्यूटिकुलर लाइनिंग इज सेट, पूरा का पूरा क्यूटिकल लेयर की लाइनिंग जो है कि गिर जाता है, शेड हो जाता है। बट इन द ओल्डर लार्वी हैविंग मोर कम्प्लेक्स सिस्टम, लेकिन जो ओल्ड जो लार्वा होता है लार्वी, उसमें जो है कि ये जो है ट्रेकियल सिस्टम काफ़ी जो कि बड़ा होता है, कम्प्लेक्स होता है। होल ऑफ द क्यूटिकुलर लाइनिंग इज शेड, बट इन ओल्डर लार्वी हैविंग मोर कम्प्लेक्स सिस्टम, यहाँ मोर कम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्योंकि एडल्ट होता है। द लाइनिंग ऑफ फर्स्ट ब्रांचेज आर परसिस्टेंट, अब उसमें जब पहली लाइनिंग तो ब्रेक कर जाती है यानी निकल जाती है, दूसरी लाइनिंग बाद में होती है। और उसी तरह दूसरे में हम देखते हैं, दूसरे केस में इन रॉडनियस, ये भी एक जो है कि इंसेक्ट है, इसमें देख लीजिए, इन रॉडनियस द लाइनिंग ऑफ द ट्रेक्यूल्स आर नेवर शेड, इसमें जो ट्रेक्यूल की जो लाइनिंग है वो कभी भी नहीं निकलती, कभी शेड नहीं होती। इनस्टेड इसके बजाय व्हेन ए न्यू ट्रेकियल लाइनिंग इज फॉर्म्ड इट पिंचेस इन ऑन द ओल्ड लाइनिंग एट द मार्जिन ऑफ द ट्रेक्यूल्स, और जब ये नया जो है कि जब ट्रेकियल लाइनिंग जब दोबारा बनती है और नीचे की एक लाइनिंग पहले से है तो दूसरे पर जब वो अटैच होगा तो उसे पिंच करता है, उसका दबाव डालता है, तो जो ओल्ड लाइनिंग होती है या उसके जो ट्रेक्यूल की जो मार्जिन होती है उस पर दबाव पड़ता है। एट द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन द ओल्ड क्यूटिकल ब्रेक, और जहाँ पर दबाव पड़ता है वहाँ का जो उसका पुराना जो क्यूटिकल है वो क्या करता है, टूट जाता है उसका दबाव पड़ने से। तो जब टूटता है एंड न्यू ट्रेकियल इंटीमा बिकम्स कंटिन्यूअस, तो उसे एक नया इंटीमा बन जाता है यानी ऊपर के लेयर विथ द ओरिजिनल ट्रेकियोल, ओरिजिनल ट्रेकियोल के साथ साथ लाइनिंग लीविंग बिहाइंड ए मार्क्ड डिसकंटिन्यूली, यानी इसमें जो कि लाइनिंग बनती रहती है और दूसरा छोड़ के हटता रहता है, ये जो है कि कंटिन्यूस होता रहता है, इसमें पता नहीं चलता कब क्या हुआ। और जगह क्या होता है कि और एनिमल में दिखता रहता है, यानी एक हटा तो दूसरा जो हार्ड लेयर निकल गया तो नरम लेयर दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो है कि किस तरह से मोल्टिंग हो रही है ट्रेकियल सिस्टम में, ये आपने देखा। अब यहाँ पे जो टॉपिक हम देने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ट्रेकियल रिस्पायरेशन इन सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट, जो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं
जो पानी में भी रहते हैं और जो है कि टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से ये रिस्पायरेशन करते हैं। अभी तो हमने जो बताया, जो रिस्पायरेशन जो आपने देखा ट्रेकियल रिस्पायरेशन, वो पूरी तरह से एयर में रहने वाले यानी कि ज़मीन पर रहने वाले इंसेक्ट में जो ट्रेकियल रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है वो आपने देखा, स्पायरिकल के थ्रू, ट्रेकी के थ्रू, ट्रेकियोल के थ्रू, ये आपने देखा। लेकिन जो है कि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो कभी पानी में भी रहते हैं और कभी जो है कि ज़मीन पे भी रहते हैं, टेरिस्टल रीजन पे भी रहते हैं, एक्वाटिक रीजन, टेरिस्टल रीजन में, तो इन्हीं को सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट बोलते हैं। सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट, अब इन पे जो है कारण यह है कि जब एयर में रहेंगे तो स्पायरिकल से यानी रिस्पायरेशन करेंगे, और जब वाटर में रहेंगे तो जाहिर बात कि वहाँ पे स्पायरिकल काम करेगा नहीं, वहाँ पे वेंटिलेशन काम करेगा नहीं, डिफ्यूजन काम करेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ गिल्स काम करेगा, क्योंकि पानी में रहने वाले एनिमल्स गिल के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तो अब इसमें यह देखना है कि इसमें क्या गिल्स है, क्या फिश की तरह से इसमें गिल पाए जाते हैं, या गिल्स लाइक कोई स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है कि इसमें रिस्पायरेशन हो रहा है। तो ये भी एक तरह से पिकुलियर बड़ा इंटरेस्टेड जो है कि अब टॉपिक इसके सामने आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेकर के आएंगे तो सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी हम ट्रेकियल रिस्पायरेशन वाली हेडिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि दो तरह के रिस्पायरेशन होता है, एक ट्रेकियल रिस्पायरेशन इंसेक्ट में होता है और एक इंट्यूगमेंट्री रिस्पायरेशन, एक स्किन सरफेस लेयर से रिस्पायरेशन होता है और एक ट्रेकियल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द्वारा। तो ट्रेकियल रिस्पायरेशन अभी आपने देखा जो टेरिस्टर रीजन में जो यानी हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं तो उसमें, लेकिन जो सेमी एक्वाटिक इंसेक्ट हैं वो कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, जब ज़मीन पर रहते हैं तब कैसे करते हैं और जब वे पानी में रहते हैं तब कैसे रिस्पायरेशन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का जो है कि एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ये नेक्स्ट हेडिंग में हम इसको लेकर के हाजिर होंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो है कि वीडियो में इसको हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इसे समझिए और जो है कि अच्छी तरह करने की कोशिश करिए। ओके।